हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव पाठशाला। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल, आप सभी के चैनल क्रिएटिव पाठशाला में। आज का हमारा जो वीडियो है वो टोटली फोकस करेगा बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स कौन कौन सी अच्छी हैं, उनको कौन कौन सी स्टोरीज जाननी चाहिए जो कि उनको उनके क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, उनके इमेजिनेशन और बहुत सारी और चीजों में भी हेल्प करे। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो उनके बिहेवियरल चेंजेस में और कहीं ना कहीं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी बिल्ट अप करने में उनकी हेल्प करे, उनकी पर्सनालिटी बिल्ट करने में, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी आदतें, अच्छे हैबिट्स बिल्ड करने में उनकी हेल्प करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी बुक जो मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं वो है फेमस इलस्ट्रेटेड मोरल स्टोरीज, मेपल किड्स पब्लिकेशन के द्वारा है। और अगर मैं आपको इसकी प्राइस दिखाऊं तो आप यहां पे देख सकते हैं मेपल प्रेस के द्वारा पब्लिकेशन है इसकी, पब्लिश्ड है ये बुक। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहें तो ई बुक, और ये 95 रुपीज की यहां पे प्रिंटेड है, बट मैंने अमेजोन से ली थी तो मुझे डिस्काउंट, अच्छी खासी डिस्काउंट पे मिल गई थी। सो इस बुक के बारे में ये लिखते हैं कि दिस बुक एनक्लोजेज इन इट्स पेजेस पॉइग्नेंट स्टोरीज विद रेलेवेंट मोरल मैसेजेस फॉर द यंग रीडर्स। तो इस बुक में काफी सारी वो स्टोरीज हैं जो कि हमने भी अपने बचपन में अपने नानी दादी पेरेंट्स से सुनी थी। तो वही सारी स्टोरीज हैं, जैसा कि वेरी फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं एक कौआ है और डेफिनेटली वो एक पॉट में पेबल्स डालता है, स्टोन्स डालता है ताकि पानी ऊपर तक आए और वो उसको पी पाए। तो चलिए फिर मैं आपको जल्दी से इसका कंटेंट दिखाती हूँ। बुक के जो पेजेस हैं, शीट्स की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं ऑल टुगेदर यहाँ पे 24 स्टोरीज हमें ऑन टोटल दी हुई हैं। तो कंटेंट है बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, द ड्रमर्स सन, द क्लेवर क्रो, द मैजिकल स्वान, द लायन दैट एट क्रॉप्स, और उस तरीके से एक साथ 24 स्टोरीज पूरे अच्छे इलस्ट्रेशन के साथ दी हुई हैं। चलिए पहली स्टोरी आपको दिखाती हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो आप देख सकते हैं एक पूरा पेज जो है वो इलस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। छोटे बच्चों को जब हम स्टोरीज बताते हैं तो उनके लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो पिक्चर्स के थ्रू ही स्टोरीज को इमेजिन कर पाते हैं, सोच पाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई बच्चों के लिए बुक खरीदें, इस चीज का खास ध्यान दें कि उस बुक में खूब सारे पिक्चर्स हों, एटलीस्ट छोटे बच्चों तक के लिए। उसके बाद जब स्टोरी खत्म होती है तो इन लोगों ने एंड में मोरल भी लिखा हुआ है, तो उस स्टोरी के हिसाब से इट इज टू लूज अ फ्रेंड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लॉसेस। तो इस तरीके से बच्चे से आप पूछिए कि हाँ क्या तुम्हारे हिसाब से इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, फिर जो भी सीखा उस हिसाब से जो भी मोरल दिया हुआ है आप देखिए बच्चा उस हिसाब से कितना उसको बता पा रहा है। उसके बाद आता है द ड्रमर्स सन, देख सकते हैं कि पूरे अच्छे से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की हुई है, एंड में मोरल भी लिखी हुई है। इसी तरीके से द क्लेवर क्रो, द मैजिकल स्वान, बहुत सारे अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस बुक को अपने बच्चे की लाइब्रेरी का, बुक लाइब्रेरी का, होम लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाएं। बुक का नाम है फेमस इलस्ट्रेटेड मोरल स्टोरीज और पब्लिशर है मेपल किड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको बताने वाली हूं, पॉइंट नंबर टू, या कि बुक नंबर टू कह सकते हैं, वेल नोन टेल्स फ्रॉम पंचतंत्र। लार्ज प्रिंट स्टोरी बुक्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सामने से दिखाती हूं आपको, और ये है बाय ओम किड्स, ओम बुक्स इंटरनेशनल। ई बुक्स भी इनकी अवेलेबल हैं। इसके लिए 275 ये कोट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली कुछ अच्छे डिस्काउंट पे आपको अमेजोन पे ये बुक मिल जाएगी। तो इस बुक के बारे में ये क्या लिखते हैं, द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन फेबल्स, द सेंट्रल कैरेक्टर्स आर यूजुअली एनिमल्स एंड बर्ड्स हु शो देयर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द वेरियस स्टोरीज एंड इम्पार्ट वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। तो बच्चों को इसको पढ़ने के बाद
खासकर काफी सारे जीव जंतु, जो काफी सारे एनिमल्स, काफी सारे बर्ड्स जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, और कैसे उनके द्वारा अपने लाइफ में भी हम लाइफ लेसन सीख सकते हैं, अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वो आपको इन पंचतंत्र स्टोरीज में जरूर मिलेंगी। तो आपको बच्चों को पंचतंत्र स्टोरीज से इंट्रोड्यूस जरूर करवाना चाहिए। बुक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जैसा कि मैंने बताया, ओम किड्स एंड इम्प्रिंट ऑफ ओम बुक्स इंटरनेशनल्स, वेल नोन टेल्स फ्रॉम पंचतंत्र। पिक्चर क्वालिटी, पेपर क्वालिटी एक्सलेंट। कंटेंट्स में आपको यहाँ पे ऑल्टुगेदर 6 स्टोरीज मिल रही हैं, द इंटेलिजेंट हेयर, द फोर फ्रेंड्स, द हेयर एंड द एलिफेंट किंग एंड देयर आफ्टर। बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन हैं, आप देख सकते हैं। छोटे बच्चों को आप जितने इलस्ट्रेशंस के थ्रू पढ़ाएं, बड़े बड़े लेटर्स हैं, सब कुछ बहुत क्लियरली दिया हुआ है। अगर आपके बच्चे ने अभी जस्ट पढ़ना सीखा है, रीड करना सीखा है, तो ये बेस्ट बुक होगी बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरीके से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की गई है। क्वालिटी ऑफ पेजेस इज ऑल्सो वेरी गुड। पेजेस की जो क्वालिटी है, एक्सलेंट लग रही है मुझे, काफी अच्छी है इस तरीके से। और फिर इनके और भी सारे काफी सारे बुक्स हैं, अदर टाइटल्स इन दिस सीरीज करके भी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी आउटर कवर भी जो है, बुक की जो आउटर कवर है, वो भी काफी थिक है, तो बच्चा काफी साल तक इसको यूज कर सकता है और अच्छी खासी कंडीशन में रहेगी ये बुक। तो दिस इज वेल नोन टेल्स फ्रॉम पंचतंत्र। मूव करते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, पॉइंट नंबर 3 या बुक नंबर 3। ये बुक है फेमस स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र और ये है शांति पब्लिकेशंस के थ्रू। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की बुक आएगी, ये है पब्लिकेशन और प्राइस कटी हुई है। मे बी मैंने किसी कारणवश काटा होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं अमेजोन पे, शांति पब्लिकेशंस के थ्रू है और अच्छी खासी बुक है पंचतंत्र के ऊपर। तो ये भी वही कहते हैं कि मोरल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, अच्छे लाइफ लेसन्स बच्चों को सीखने के लिए मिलेंगे और काफी सारे जो हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहे हैं तो उनके बारे में भी इसमें काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो चलिए फिर मैं आपको जल्दी से इसकी कंटेंट दिखा देती हूँ। शांति पब्लिकेशंस के थ्रू है और पब्लिकेशंस में आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, और यहाँ पर द क्लेवर क्रैब, गोट और डीमन, द ट्री गॉड, द लिटिल मंकी, इस तरीके से करते करते हमारे पास कितनी सारी स्टोरीज हैं। हमें ऑल टुगेदर 34 स्टोरीज मिल रही हैं इस बुक में पढ़ने के लिए, विथ वेरी गुड इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस बच्चों को काफी आई कैचिंग लगते हैं और काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है, पूरे स्टोरी को नरेट किया गया है और एंड में आपको बच्चों ने क्या सीखा, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा, वो भी बच्चों को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टोरी है गोट और डीमन, तो वो भी है सेम मोरल। नेक्स्ट स्टोरी है द ट्री गॉड। इस तरीके से करते करते आपको 34 स्टोरीज की कलेक्शन इस पंचतंत्र बुक में मिल रही है, विथ वेरी गुड इलस्ट्रेशन, पेपर क्वालिटी इज गुड। तो और बाहर का जो कवर है, दैट इज हार्ड कवर, तो आप वो देख सकते हैं। ये रही बुक नंबर 3, फेमस स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। नेक्स्ट मैं आती हूँ बेड टाइम स्टोरीज के ऊपर। ये बुक है नवनीत, एनी टाइम टेल्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, माई बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम नवनीत। इसको काफी बार हमने पढ़ लिया है इसलिए बुक की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको ऑल टुगेदर मिलती है 9 स्टोरीज, द क्लेवर हॉर्स, द वुल्फ एंड द डॉग, द वॉस्प्स जस्टिस, अनवांटेड एडवाइस एंड अकॉर्डिंगली। आप इसको देख सकते हैं, अगेन बुक की क्वालिटी अच्छी है, हार्ड कवर नहीं है, बट आई थिंक कि ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत जल्दी फट जाएगी, ऐसा नहीं है। और बुक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, हमने बहुत बारी इसको पढ़ लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस टोटल बुक में इसमें 9 स्टोरीज आ रही हैं और ये है नवनीत पब्लिकेशंस के थ्रू और एमआरपी इसकी 60 है। मैंने पहले ही ली थी, आप इसकी करंट प्राइस अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। तो ये था माय बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम नवनीत पब्लिकेशंस। मूव करते हैं नेक्स्ट। ये वाली जो स्टोरी बुक है, ये है 199 मोरल स्टोरीज और ये है
फ्रॉम स्टोरिका, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी पॉलिश्ड और काफी अच्छी प्रिंट है ऊपर में ही, बुक की कवर में ही. बट डेफिनेटली हम लोग बुक की कवर से बुक को जज नहीं करेंगे. एंड दिस इज फ्रॉम पिगासस. सो पिगासस की ये पब्लिकेशंस है, चिल्ड्रन पिक्चर बुक्स की. ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था. तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा. हेयर इज अ बुक विथ 199 एक्साइटिंग फन स्टोरीज फॉर लिटिल वंस. ईच ऑफ द शॉर्ट स्वीट स्टोरीज इन दिस वंडरफुल बुक कम्स विद अ क्यूट कलरफुल इलस्ट्रेशन एंड विल डिलाइट एंड चार्म यंग इमेजिनेटिव स्टोरी लवर्स. तो 199 स्टोरीज की कलेक्शन है इसमें. और चलिए आपको सबसे पहले ये पिगासस पब्लिकेशंस की है तो आपको दिखाती हूँ कंटेंट. तो आप जैसा कि कंटेंट देख पा रहे हैं, अच्छी खासी स्टोरीज और मेरे ख्याल से हर एक स्टोरी जो बच्चे को जाननी चाहिए वो कवर की गई है. और 199 स्टोरीज इसमें ऑल टुगेदर हैं. आप देख सकते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइक 199 स्टोरीज पिक्चर इलस्ट्रेशंस के साथ है, विथ अ मोरल ऑल्सो इज रिटन एट द एंड ऑफ एवरी स्टोरी. हर एक स्टोरी के अंत में बच्चों ने क्या सीखा उस स्टोरी से, वो मोरल भी उसमें लिखा हुआ है. तो क्लेवर मैट, द पीजेंट एंड द किंग, इस तरीके से मोरल करके, यानी कि बच्चों ने क्या सीखा वो भी इसमें मेंशन है. पेपर क्वालिटी इज एक्सलेंट. पिगासस पब्लिकेशंस जानी जाती हैं अपनी बुक्स को लेकर के, तो उस हिसाब से काफी अच्छी कलेक्शन है बच्चों के लिए. आई मीन 199 स्टोरीज अगर आपको एक बुक में मिल रही हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन, यू डोंट हैव टू अगेन गो इन सर्च ऑफ अदर डिफरेंट बुक्स. आपको बार बार अलग अलग किताबों की खोज में नहीं जाना पड़ेगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नंबरिंग की हुई है और उस हिसाब से बुक्स में 199 मोरल स्टोरीज कवर की गई हैं. और आगे में आपको स्टोरी का ये साइन मिल जाएगा, अच्छे से देख लीजिए. और बाकी स्टोरी का बाय पिगासस. तो पिगासस किड्स, pegasusforkids.com पे भी जाकर के आप उनके और कलेक्शंस देख सकते हैं कि ये और क्या क्या पब्लिश करते हैं. तो ये थे हमारी बुक नंबर 5, दैट इज 199 मोरल स्टोरीज. नेक्स्ट आती है आज की लास्ट कलेक्शन है और ये है 151 स्टोरीज ऑफ अरेबियन नाइट्स. ये है सावन की, सावन पब्लिकेशंस की इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलिए देखते हैं, नहीं मनोज पब्लिकेशंस है उनका, ऊपर में उन्होंने वो लिखा है. तो मनोज पब्लिकेशंस प्राइसिंग आप देख सकते हैं 120 रुपीज, बट अभी अपग्रेड हो गई होगी बिकॉज ये बुक्स मैंने अभी इमीडिएटली सारी नहीं खरीदी हैं, कुछ पहले की भी बुक्स हैं. इनके और भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं तो आप वो भी देख सकते हैं. इन द नेम ऑफ 151 एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अराउंड द वर्ल्ड, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, इस तरीके से काफी सारी बुक्स इन्होंने कवर की हैं. चलिए आपको कंटेंट दिखाती हूँ. तो ये बुक जो है वो टोटली अरेबियन नाइट्स के ऊपर है और 151 स्टोरीज इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेंगी. तो आप इसमें कंटेंट देख सकते हैं, एक लाइन से कंटेंट दिया हुआ है और कंटेंट यहाँ पे आके खत्म होता है. आप देख पाते हैं 151 द क्लोजिंग. तो पहली स्टोरी जो है, द स्टोरी बिगिंस द मर्चेंट एंड द जीनी, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते द फिशरमैन, द ग्रीक किंग एंड फिजिशियन, दाउबन, सन्स ऑफ किंग्स एंड द फाइव लेडीज ऑफ बगदाद, इस तरीके से करते करते कहानी आगे बढ़ती है और इनको अच्छा खासा कलेक्शन अरेबियन नाइट्स के ऊपर पढ़ने को मिलता है. तो ये थी लास्ट बुक आज के लिए. तो मैं प्रेजेंट करती हूँ आप सभी के सामने, ऑल टुगेदर काफी सारी बुक्स हैं. आप जरूर इन सभी बुक्स को अपने बच्चों की घर की लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं और उनको पढ़ने का, इन सारी बुक्स को जानने का मौका दें. तो ये है सारे के सारे बुक्स. आई होप कि आपको कुछ आइडिया जरूर मिले होंगे. जो भी बुक खरीदे मेक श्योर कि वो बुक्स काफी अच्छे तरीके से इलस्ट्रेशंस प्रेजेंट करते हों और बच्चों के लिए मोरल भी हो उसमें, ताकि आप भी पढ़ने के बाद बच्चों को बता सकें, या अगर आप बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको बता सकें. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी रीडिंग.